नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है डिसमेनोरिया के बारे में, क्योंकि हम लोग जनरली फीमेल प्रॉब्लम्स को कवर करने की इस पूरे चैनल पे हमेशा से कोशिश करते रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एमेनोरिया के ऊपर, हार्मोनल इम्बेलेंस, मेनोपॉज वगैरह वगैरह तमाम वीडियो बना रखे हैं। तो मुझे ज़रूरी लगा कि इसी क्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक छूट रहा है, जो कि है डिसमेनोरिया, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिसमेनोरिया के बारे में ही बात करने वाले हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको लेके क्लिनिकल अप्रोच क्या होना चाहिए और इसको हमको एज अ पेशेंट, एज अ डॉक्टर, एक पेशेंट में हमको इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे हुए सीधे वीडियो में चलते हैं ना। तो अब हमको डिसमेनोरिया को अगर समझना है तो सबसे पहले हमको कुछ बातों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया, मेनोरिया मतलब पर्टेनिंग टू मेंसेस, मेनोरिया मतलब पर्टेनिंग टू मेंसेस, जैसे अमेनोरिया है ना, और मेनोरिया मतलब, मेनोरिया मतलब पर्टेनिंग टू मेंसेस, संबंधित किससे, पीरियड्स, मेंसेस से संबंधित। और DYS जब भी लगता है तो दैट इज़ द डिफ़िकल्ट और पेनफुल, मेडिकली DYS मतलब डिस जब लग जाता है तो दैट इज़ पेनफुल या डिफ़िकल्ट, जैसे डिसयूरिया, डिसपुरेनिया है ना, जो DYS लग रहा है तो दैट इज़ व्हाट इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द पेनफुल और डिफ़िकल्ट। तो पेनफुल और डिफ़िकल्ट मेंस्टुरेशन इज नोन एज द डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया। तो दिस इज द, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया इज द मेडिकल टर्म फॉर पेन विथ योर पीरियड्स। वेन एवर अ लेडी सफरिंग फ्रॉम द पेन वाइल दे आर मेंस्टुरेटिंग इज नोन एज द डिसमेनोरिया, या फिर इसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिसमेनोरिया, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड, एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी, ठीक है। द प्राइमरी डिसमेनोरिया इज द नेम फॉर कॉमन मेंस्ट्रुअल पेन दैट कम बैक ओवर एंड ओवर अगेन एंड आरंट ड्यू टू एनी अदर डिजीज। अभी अपन इसके बारे में आते हैं। सबसे पहले क्या जरूरी था समझना, डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्टुरेशन, ये पेनफुल मेंस्टुरेशन को हम कहते हैं डिसमेनोरिया, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमने देखा कि व्हाट इज डिसमेनोरिया। अब हम एक चीज़ में आपको यहाँ पे डिसमेनोरिया को पढ़ाने के पहले क्लियर कर दूँ और पढ़ाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द ग्रुप ऑफ द लिपिड। लिपिड मतलब ये वसा के जैसा कुछ होता है, मतलब चर्बी, लिपिड की तरह कोई चीज़ होती है। मेड एट द साइट ऑफ द टीशू डैमेज, जहाँ पे भी टीशू डैमेज होगा या इन्फेक्शन होगा, दैट आर इन्वॉल्व इन द डीलिंग विथ इंजुरी एंड इलनेस। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द ग्रुप ऑफ लिपिड मेड एट द साइट ऑफ टीशू डैमेज एंड इन्फेक्शन दैट आर इन्वॉल्व इन द डीलिंग विथ द इंजुरी एंड इलनेस। मतलब जब भी किसी एक साइट के ऊपर डैमेज होगा, डैमेज मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, और उस इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के द्वारा पैदा जो जितना भी मतलब हैपाजार्डनेस को डील करने के लिए, उससे डील करने के लिए, किससे, उस इंजुरी और इलनेस से डील करने के लिए जो तत्व शरीर बनाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना। दे कंट्रोल द प्रोसेसेस सच एज द इन्फ्लामेशन, ब्लड फ्लो एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स एंड इंडक्शन ऑफ लेवर। तो क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, दे कंट्रोल द प्रोसेस सच एज द इन्फ्लामेशन, ब्लड फ्लो एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट्स, ये कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमको मेन चीज़ जो समझने वाली है, दैट इज व्हाट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये डिसमेनोरिया के टॉपिक को समझने के लिए, डिसमेनोरिया को समझने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों हम आते हैं सीधे सीधे टाइप के ऊपर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसमेनोरिया इज देयर। देखिए, देयर इज टू टाइप ऑफ डिसमेनोरिया, वन इज द प्राइमरी डिसमेनोरिया एंड द अदर इज द सेकेंडरी डिसमेनोरिया। व्हाट इज प्राइमरी डिसमेनोरिया, जिस तरह से हमने एमेनोरिया में प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा था, या फिर मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में कहीं भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ते हैं, तो प्राइमरी मतलब विदाउट एनी कॉज, जो रेगुलरली जो चीज़ पाई जाती है, आमतौर पर पाई जाती है, दैट इज नोन एज द प्राइमरी।
मतलब कोई भी प्राइमरी डिजीज़ का कोई भी प्राइमरी पार्ट के अंदर कोई भी पीछे पैथोलॉजी नहीं होती है। जैसे कि अमेनोरिया प्राइमरी की बात की थी, कि प्राइमरी अमेनोरिया मतलब अमेनोरिया ड्यू टू एनी डिमॉन्स्ट्रेबल कॉज, कोई भी हम कॉज नहीं दिखा सकते। ये आमतौर पे एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है जो जनरली हो जाता है, इसके पीछे कोई कारण नहीं सिद्ध किया जा सकता। और वहीं सेकेंडरी सेकेंडरी अमेनोरिया क्या बताया था मैंने अमेनोरिया वाले वीडियो के अंदर, कि अमोनोरिया ड्यू टू एनी डिमॉन्स्ट्रेबल पैथोलॉजी, कोई भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके कारण से मेंसेस रुके हुए हैं, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द सेकेंडरी अमेनोरिया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, जबकि ये फिजियोलॉजिकल है कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आते, तो प्रेगनेंसी की वजह से अमेनोरिया है, दैट इज फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी अमेनोरिया। दूसरा एग्जाम्पल PCOD, PCOS, ऐसी बीमारियां जहाँ पे ओवरी के अंदर गांठ वांठ बनी हुई है, तो ऐसी बीमारियों के अंदर दोस डिजीजेस दोस कंडीशन विच इज ड्यू टू एनी अदर पैथोलॉजी, तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। सेम यहाँ पे है कि प्राइमरी डिसमेनोरिया का मतलब होता है, क्या बताया गया है, डिसमेनोरिया इज द नेम ऑफ द कॉमन मेंस्ट्रुअल, प्राइमरी डिसमेनोरिया का मतलब है कॉमन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दैट कम्स बैक ओवर एंड ओवर अगेन रिकरेंट एवरी मंथ एंड आरंट ड्यू टू एनी अदर डिजीज। तो ये जो होता है ये होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया, जिसके पीछे कोई भी बीमारी नहीं है, ये बड़े नॉर्मल से होते हैं, हर लेडी इनको फील करती है। हर बार मेंसेस आने के साथ जो पेन्स आते हैं, जो हल्के फुल्के दर्द पेन डिस्कम्फर्ट वगैरह वगैरह आता है, तो दैट इज वॉट इज नोन एज द प्राइमरी डिसमेनोरिया। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डिसमेनोरिया की, तो बड़ा कॉमन है कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया का मतलब है कि द डिसमेनोरिया ड्यू टू एनी अदर कॉज, द डिसमेनोरिया ड्यू टू द एनी अदर अंडरलाइंग डिजीज, कि कुछ यूटेरस में कुछ चल रहा है, कोई ऑलरेडी एक पैथोलॉजी सीटेड इन है, और वो जो पैथोलॉजी है अल्टीमेटली वो पैथोलॉजी क्या कर रही है, डिजीज को पैदा कर रही है, तो दैट इज वॉट इज नोन एज द सेकेंडरी डिसमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल पेन फ्रॉम सेकेंडरी डिसमेनोरिया इज द रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम है और उस वजह से आपको पेन हो रहा है, डिसमेनोरिया हो रहा है, तो दैट इज वॉट इज नोन एज द सेकेंडरी डिसमेनोरिया। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच में आपको प्रोस्टाग्लैंडिंस बताई थी, अब प्रोस्टाग्लैंडिंस का रोल समझ लेते हैं। व्हाट कॉजेस पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, कि मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन आपको क्यों बताया, आपको मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में अलग से क्यों बताया। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हैपन व्हेन द केमिकल कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन मेक्स द यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये आप समझिए, द यूटेरस द मस्कुलर ऑर्गन वेयर द बेबी ग्रोथ, मतलब ये यूटेरस के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन द यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली, इफ द यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट टू स्ट्रांगली इट कैन प्रेस अगेंस्ट द नियर बाय ब्लड वेसल कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल, यू फील पेन वेन द पार्ट ऑफ द मसल ब्रीफली लॉसेस इट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पेन कब महसूस करते हैं, हमको हमेशा याद रखिए हमको पेन तब होता है जब हमारे मस्कुलर हिस्से को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, तभी हम पेन फील करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है रनिंग या कोई भी विग्रस एक्सरसाइज या फिर वेट लिफ्टिंग, हम वेट वगैरह लोग जो शौक रखते हैं वेट लिफ्टिंग वगैरह का, है ना, तो जब वो वेट को कैरी करते हैं तो वेट को कैरी करने की वजह से होता क्या है कि अब वो वजन उठाए पड़ा, एक टाइम आएगा कि उसके जो मसल के अंदर ऑक्सीजन इतनी तेजी से यूज होगा कि जो सप्लाई आ रहा है वो कम पड़ जाएगा, एट दैट पॉइंट ही विल फील द पेन, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमको क्या बताया था, कि द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द ग्रुप ऑफ द लिपिड मेड एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन, मतलब कहीं पे भी टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन होगा तो इनने बोला कि प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ बनते हैं, ये पहली चीज़ बता रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैपन व्हेन द केमिकल कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन मेक्स द यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट ही होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब कई बार ये बहुत टाइटली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बंदी मतलब लेडी को फील
पेन फील करती है वो जो दर्द है वो उसको किसको, दर्द को श्रेय किसका दिया जा रहा है कि दर्द को कॉज क्या बताया जा रहा है, दर्द का कॉज बताया जा रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन को। तो अब यहाँ पे समझिए कि होता क्या है, एक औरत के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। समझने की कोशिश करना मेरी बात आपको, तभी ये पूरा चक्र समझ में आएगा, खासकर महिला डॉक्टर जितनी हैं, जो फीमेल्स हैं, जो लेडी डॉक्टर हैं, जो गायनिक प्रैक्टिस करती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महिला के अंदर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। हम साइकिल के एंड में क्या देखते हैं कि भाई 5 दिन ब्लीडिंग हो रही है, पर हम साइकिल के मिड में भी देखें कि मिड में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन मतलब इस महिला का शरीर महीने में एक बार इसको मौका देता है कि उस महीने में ये बच्चे को जन्म दे सकती है। तो जब 14th डे ओव्यूलेशन होता है तो यूटेरस के अंदर की जो पूरी लाइनिंग्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। वो थिक क्यों होती है, क्योंकि वो फीटस बेड बनाने की कोशिश कर रहा है यूटेरस। हमको नहीं पता, मतलब बच्चेदानी को नहीं पता कि इस महीने बच्चा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तो वो अनकंडीशनली हर महीने ये स्थिति बनाता है शरीर कि आप हर महीने एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ओव्यूलेशन हुआ तो ओव्यूलेशन होने के पहले यूटेरस की जो इंटरनल लाइनिंग है वो बिल्कुल थिक हो जाती है, वहाँ ब्लड सप्लाई उसकी बढ़ जाती है, वहाँ पे एक बढ़िया सा बेड तैयार होता है, दैट टाइम वहाँ से ओवम निकलता है, ओवम आके यहाँ पे रेस्ट करता है। अगर इसी 14 दिन के 36 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन के बाद अगर मान लीजिए पुरुष इंटरकोर्स करता है और वहाँ पे अपने स्पर्म्स को किसी तरह से पहुँचा देता है इंटरकोर्स के द्वारा, तो यहाँ पे ये जायगोट बन जाएगा, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जब ये जायगोट बनेगा तो यही जो बेड बना है ना, फीटस बेड, जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूटेरस मोटी हुई है, यही तो यूज़ में आएगा उस बच्चे को सहेजने के लिए। पर अगर मान लीजिए उस दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस महिला ने इंटरकोर्स नहीं किया, तो ये जो पूरा तामझाम तंबू और जितना भी प्रोपोगेंडा शरीर कर रहा होता है एक बच्चे को पैदा करने के लिए, ये पूरा का पूरा डिसमेंटल होना होता है, ये इसको पूरे को ख़त्म किया जाता है। और इसको ख़त्म करके वापस से यूटेरस को अगले महीने के लिए नॉन प्रोडक्टिव फेज में भेजा जाता है। और वो कैसे करता है शरीर, वो प्रोस्टाग्लैंडिंस के थ्रू करता है। यही प्रोस्टाग्लैंडिंस, जैसे मान लो बच्चे का निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो चौथे पांचवे दिन उसके ये पूरी की पूरी जितनी भी चीज़ें इनको डिसमेंटल, मतलब इसको तोड़ा जाता है। इसको तोड़ के सेल्युलर प्रोडक्ट, और इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और वो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन से होता है। तो हमने क्या बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ बनता है, इज द लिपिड एट मेड एट द साइड ऑफ टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है ना, कि जो हमने यूटेरस का बेड बनाया था शरीर खुद उसको तोड़ता है। तो यहाँ पे जब टिश्यू डैमेज होता है तो उस टिश्यू डैमेज की साइड से प्रोस्टाग्लैंडिंस निकलते हैं, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिंस निकलते हैं अल्टीमेटली यही यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को बहुत पावरफुल बनाते हैं। और जिस पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन के कारण पूरे यूटेरस के अंदर ये जो बेड बनाया था, ये बच्चे को पैदा करके बड़ा करने के लिए जो इंतज़ाम हुए थे, ये सारे इंतज़ामों को ख़त्म करा जाता है। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ब्लड में मिक्स होके सेल्यूलर डेब्रीज या इंटरनल लाइनिंग वगैरह वगैरह, ये 5 दिन के मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर ये सारी चीज़ें पर वजाइना, मतलब वजाइना से ब्लड में मिल के बाहर चली जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये पूरा साइकिल वापस से जीरो हो जाता है, यूटेरस शुरू से शुरुआत करता है अगले ओव्यूलेशन की तैयारी की। तो आप समझे मेरी बात कि पेन क्यों होता है, ये पेन प्रोस्टाग्लैंडिन पैदा करता है। कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में भी प्रोस्टाग्लैंडिन होता ही है, क्योंकि जब यूटेराइन बेड तैयार होगा, यूटेराइन फीटस बेड तैयार करेगा शरीर, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। और जब उस बेड को हमको डिसमेंटल करना पड़ेगा तो उसको करने के लिए हमें प्रोस्टाग्लैंडिन लगेगा। और यही जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है। और इसलिए कहते हैं कि डिसमेनोरिया टिल सर्टेन एक्सटेंट बिल्कुल फिजियोलॉजिकल है। जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है, ये 99.9% महिलाएं अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड में फील करेंगी ही, ये बीमारी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई पेन नहीं होना एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हल्के फुल्के पेन महिलाएं फील करती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी डिसमेनोरिया इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर कुछ चीज़ें समझने की हैं।
तो क्या होता है डिसमेनोरिया में? डिसमेनोरिया में प्रोस्टाग्लैंडिंस का सिक्रीशन होता है, और यही जो प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं ये क्या करते हैं, मस्कुलर क्रैम्प हैपन व्हेन द केमिकल कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन मेक्स द यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से आता है भाई? ये यूटेरस से खुद सिक्रीट होता है, कि जो जितना भी बेड वगैरह बनाया था ना, जो फीटस बेड बनाया था, लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंडोमेट्रियम मोटी हुई थी, जब वो टूटती है, वो डिसइंटीग्रेट होती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से सिक्रीट होता था परिभाषा के हिसाब से? एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज, ये लिखा है ना, एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज, जहाँ पे भी टिश्यू डैमेज होगा प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, और यही प्रोस्टाग्लैंडिन मेस्टुअल क्रैम्प को पैदा करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन मेक्स द यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट। द यूटेरस एंड मस्कुलर ऑर्गन्स वो होता है जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता रहता है? क्योंकि वो जो एंडोमेट्रियम, जो थिक एंडोमेट्रियम थी, जो पिछले ओव्यूलेशन में बॉडी ने तैयार करी थी, वो एक दिन में नहीं निकल पाती, उसको 5 दिन लगते हैं। तो वो पाँचों दिन थोड़ा 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 कॉन्ट्रैक्ट होकर चीज़ें जो होती हैं वो गैदर होकर निकलना चालू होती हैं। ड्यूरिंग मेंस्टुरेशन द यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट्स मोर स्ट्रांगली, मेंस्टुरेशन में ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट टू स्ट्रांगली इट कैन प्रेस अगेंस्ट द नियर बाय ब्लड वेसल। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे ना, तो ये क्या नियर बाय ब्लड वेसल को ये प्रेस करेंगे, जिससे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो मसल्स के लिए जा रही है वो रुक जाएगी और पेन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ व्हाट? दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ डिसमेनोरिया, है ना। तो दोस्तों अब डिसमेनोरिया का, अब अपन सेकेंडरी डिसमेनोरिया की बात कर रहे थे, पर इसको इतना लंबा करके आपको समझाना ज़रूरी था कि आपने ये वीडियो देखा तो आप यू विल बी द मास्टर ऑफ डिसमेनोरिया, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी। हाउ डज सेकेंडरी डिसमेनोरिया कॉजेज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प? अब जैसा कि बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते हैं कहाँ पे? एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन या फिर एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज। तो वो बीमारियाँ जिसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं, और इस वजह से उन बीमारियों का मेन लक्षण ही डिसमेनोरिया हो चुका है, ठीक है। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, इन पे सब पे डेडिकेटेड वीडियो आएगा आगे भविष्य में ना, अ कंडीशन इन विच द टिश्यू लाइनिंग ऑफ द यूटेरस या फिर एंडोमेट्रियम इज फाउंड आउटसाइड द यूटेरस। ये बड़ी रेयर कंडीशन होती है कि जो एंडोमेट्रियम जनरली कहाँ होती है? यूटेरस के अंदर होती है ना, पर ये एक ऐसी डिजीज्ड कंडीशन है कि वो एंडोमेट्रियम यूटेरस के बाहर भी पाई जाती है, तो इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, बहुत पेन करता है इसमें। एडिनोमायोसिस, अ कंडीशन वेयर द लाइनिंग ऑफ यूटेरस ग्रोज इन टू द मसल्स ऑफ द यूटेरस, कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग यूटेरस के मसल्स के अंदर डेवलप हो रही है, बहुत पेन करता है इसके अंदर, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इस केस में दोनों में ज़्यादा बनते हैं। PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जो हाइड्रोसल्पिंग्स पायोसल्पिंग्स पढ़ा था ना अपन ने, इन्फेक्शन, बैक्टेरियल इन्फेक्शन के कारण जब कुछ होता है यूटेरस में, दैट इज व्हाट इज नोन एज द PID। PID में बहुत पेन होता है क्योंकि PID के अंदर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा होता है, और फाइब्रॉइड वगैरह। तो ये हमने समझा कि व्हाट इज डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, तो अपने को पेन होता है, व्हाट इज प्राइमरी डिसमेनोरिया, व्हाट इज सेकेंडरी डिसमेनोरिया, व्हाट आर द कंडीशन इन विच वी कॉमनली फाउंड दिस सेकेंडरी डिसमेनोरिया, ये सब हमने देख लिया। अब दोस्तों ढेड़ पेड़ बात कर लेते हैं सीधे सीधे मेडिसिन की, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। देखिए टू मेडिसिन, वैसे तो रिपर्टरी में 1760 दवाएं बताई हैं डिसमेनोरिया पर जो मेरे को लगता है जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ये आपको देना ही है, और इसके अलावा आपके केस टेकिंग में आपको कुछ और संपट बैठता है तो वो आप करो अपना, वो कोलेट्रल आप पढ़ते रहो, उससे लेना देना नहीं। पहली मेडिसिन सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा 30 या फिर एक्टिया रेसिमोसा, दो नाम है इसके, सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा या एक्टिया रेसिमोसा। अब होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू डिसमेनोरिया का यह है कि डिसमेनोरिक जो लेडी होती है जिसको जनरली डिसमेनोरिया है, तो आपने एलोपैथिक कंसेप्ट तो देख लिया मैंने, क्या बताया इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन प्राइमरी सेकेंडरी डिसमेनोरिया, वो सब अलग चीज़ है। होम्योपैथी में इस सिमिसिफ्यूगा में पाए जाने वाले डिसमेनोरिया को रूमेटिक डिसमेनोरिया बोला गया है। वो उसका क्या मतलब है ये मैं बताता हूँ कि देयर आर द रूमेटिक टेंडेंसी जो इस सिमिसिफ्यूगा के पेशेंट के अंदर हैं, इसकी बॉडी के अंदर रूमेटिक टेंडेंसी हैं, क्योंकि देखिए एक्टिया ग्रुप के अंदर एक्टिया स्पाइकेटा आती है, वो भी रूमेटोलॉजी पे काम करती है, रिस्ट का रूमेटिज्म एक्टिया स्पाइकेटा में बताया है।
अपने आप में सिमिसिफ्यूगर रेसिमोसा भी कहीं ना कहीं रूमेटिक मेडिसिन है। तो होम्योपैथी में कंसेप्ट बताया है कि डिसमेनोरिक जो लेडी होती है दैट इज़ अ रूमेटिक सॉर्ट ऑफ पर्सन, और उसकी जो रूमेटिक टेंडेंसीज होती है ना वो अप्रोच ऑफ मेंसेस के साथ सामने आती है। मतलब इधर मेंसेस आया इधर इसकी रूमेटिक टेंडेंसी बढ़ी, एंड दैट इज़ वाई द रूमेटिया जो दैट इज़ वाई द डिसमेनोरिया विच इज़ फाउंड इन द सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा इज नोन एज द रूमेटिक डिसमेनोरिया बोला गया है। कि जैसे ही ये लेडी का मेंसेस आने वाला होगा इसको ये शियाटिक नर्व के रूट में जॉइंट्स के अंदर लोअर लिम में अपना पेड़ुओं पे पेट पे बैक पे लोअर बैक पे सब जगह पेन चालू हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एक्टिया रेसिमोसा या फिर सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा, एंड द सेकेंड वन इज़ द मैग्नीशिया फॉस। मैग्नीशिया फॉस इज इंडिकेटेड इन एनी कंप्लेंट वेयर देयर इज़ द जनरेशन ऑफ द स्पाजमोडिक पेन, कि जहाँ पे भी स्पाजमोडिक पेन होगा तो मैग फॉस वहाँ पे देनी पड़ती है। तो मैग फॉस हमको यूज़ करना है बायोकेमिक में 6x डेसिमल पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, और हम सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा को लेंगे 30 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, और एक लेडी अगर डिसमेनोरिया होगा उसको तो कई सालों से होगा तो कुछ महीने 2 से 2.5 महीने आप ये प्रिस्क्रिप्शन चलाएं और यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन दोज कंप्लेंट्स विच आर डिसमेनोरिक इन हर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।